एक बार मेरे पापा ने मुझसे एक बात कही थी। इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। हमारे साथ जो भी होता है उसके पीछे वजह होती है। हेलो। सुबह हो चुकी है मैडम। हाँ पता है, सुबह हो चुकी है। जल्दी उठो, आज मंडे है। हाँ जानती हूँ, आज मंडे है। देखो अगर मिस यंग की टीम में रहना चाहती हो तो जल्दी उठ जाओ। टाइम क्या हुआ है? तुम 5 मिनट में तैयार होके यहाँ पहुँचो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाहर बारिश है, छाता लेना मत भूलना। क्या हाल है दोस्तों? पहुंच जाऊंगी। पर उस दिन एक इत्तेफाक हुआ। अरे छाता, ओ शुक्र है। वो सब कुछ बारिश की वजह से हुआ। ये लो। उसका चेहरा कुछ तो पहचाना सा है, कहीं तो देख। रास्ते में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए देर हो गई। आपके सर से खून निकल रहा है। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, अब प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए प्लीज। मुझे लगता है आपको पहले इलाज कराना चाहिए। नहीं नहीं, आज 3 साल बाद मुझे ये मौका मिला है और मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत की है। मैं ये काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करूँगी। मुझे ये नौकरी चाहिए, इसलिए प्लीज मुझे संभालिए। प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। अरे क्या हो गया जी? क्यों? अरे एम्बुलेंस बुला। देखो एम्बुलेंस बुलाओ, ठीक है? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। होश हो गई है। हाँ किसी को बुलाना चाहिए।
आप ठीक है? संभल कर। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मैडम, कोई पानी तो लाओ। मिस प्लीज, होश में तो आओ। उस एक्सीडेंट की वजह से ही मैं ये नौकरी कर रही हूँ जो मैं हमेशा से चाहती थी, लेकिन आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं? हमेशा लेट आती है। देखिए क्या वक्त हो गया है, पहले ही दिन कोई काम पर इतना लेट आता है क्या? भला बताइए, मुझे तो वो पागल लगती है। हैं? पता नहीं आप लोग कैसे कैसे लोगों को हायर कर लेते हैं और फिर झेलना मुझे पड़ता है। आप सुन रही है ना? मुझसे शिकायत करना बंद करो। तुम्ही ने कहा था ना तुमसे ये काम अकेले नहीं हो रहा है। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को भी रख लेंगी मैडम। और आपको ये बात पता है, हमारे ट्रांसपोर्ट वाले ने भी उसे लाने से इनकार कर दिया है। और मैंने तो सुना है कि अपनी पिछली नौकरी में भी उसने कुछ दिन बाद ही एक आदमी को लात मार दी थी और इसी वजह से उसकी सैलरी काटी गई थी। ना धक्का दे देना, किसी का कॉलर पकड़ लेना। देखिए मैडम, सैलरी काटने या माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। इतनी वार्निंग किसी को भी नहीं मिली जितनी उसको मिली, और साल भर में उसका डिपार्टमेंट भी बदल दिया। उसके काम की कम और उसकी गलतियों की गिनती ज्यादा है मैडम, गिनते गिनते थक जाएंगे। ये लड़की किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, आप सुन रही हैं? 7 बार। क्या? हेलो, मैं हैनियो रियोम हूँ। मैं 1 साल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में थी, उसके बाद पैसेंजर सर्विसेज में। आप सबसे मिलकर खुशी हुई और मुझे गलत तरह से बोलने के लिए 8 नहीं 7 बार वार्निंग मिली थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया भला? हा? बताने का टाइम नहीं मिला, लेकिन थैंक्स टू द वेदर वो लोग पहले पहुंच गए। ये पश्चिमी हवा भी ना। मिस चोई, 097 कौन से गेट पर खड़ा है बताइए तो। गेट नंबर 14। डिपार्चर पे जो प्लेन खड़ा है उसे निकलने में लगभग 1 घंटा और है। 1 घंटा? उन्होंने तो अभी तक बोर्डिंग प्रोसेस भी शुरू नहीं किया होगा ना। क्या करें अब? तुम्हें तमीज नहीं है? तुम बता नहीं सकती थी कि मेरे पीछे खड़ी हुई हो और मेरी बातें सुन रही हो? हानि तो डरा दी। मैं आपको बताने वाला था। तुम्हें तो कूट कूट कर टैलेंट भरा है, मारना, झगड़ा करना, धमकी देना, और देर से भी आती हो। आई एम सॉरी, अब से मुझे कभी देर नहीं होगी। मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगी, झगड़ा नहीं करूंगी, धमकी भी नहीं दूंगी, और मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। वेरी गुड। बोलने में क्या बड़ी बात है, बोलना तो बहुत आसान है मैडम। मैम, इन्फॉर्मेशन डेस्क से ऐसी खबर आई है कि सी ब्लॉक में हमारे स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई है। तुम जाकर देखो। मैं? आप इसे भेज रही हैं? कर लोगी ना? हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। बैग लेकर जाओगी? हाँ, नहीं, तुम्हारा डेस्क वहाँ है। ओके। दरवाजा इस तरफ है। ठीक है। वो पागल नहीं, थोड़ी जल्दबाज है। सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि ये फिर से कोई ना कोई बहुत बड़ी। तुम साथ चले जाओ। कौन, मैं चला जाऊँ? तो मैं जाऊँ। सुनो लीसा, हाँ या ना में जवाब देना नहीं आता क्या? कहिए। तुम यूरम के साथ जाओ। मुझे उनके साथ जाना है। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, अरे आजकल के लड़के जवाब क्यों नहीं देते हैं? मुझे तो लगता है ये गूंगे के साथ बहरा भी है। मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, एक और गलती हुई तो ये नौकरी भी गई। आज गलती नहीं होगी। सबसे पहले तो मुझे सी ब्लॉक का पता लगाना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मैं रास्ता भटक जाती हूँ,
ये देखो। वाह, ये तो कंपास है। बिल्कुल सही पहचाना। अगर तुम रास्ता भूली तो ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं रास्ता नहीं भूलती, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे जाने के बाद ये तुम्हारी रास्ता ढूंढने में मदद करेगा, तो इसे पहन लो। अगर कभी रास्ता भूली तो रुकना, देखना, समझना और फिर आगे बढ़ना। हाँ, मैं समझ गई पापा। जिस दिन तुम रुकोगे अपने आप को खो दोगे। आज मैं इसीलिए भाग रही हूँ कि कहीं मैं खो ना जाऊं, या फिर ऐसा कहो कि मैं अब भटकना ही नहीं चाहती। एक्सक्यूज मी, सी ब्लॉक काउंटर किस तरफ है बता सकती हो? सी ब्लॉक काउंटर उस तरफ है। थैंक यू सो मच। मुझे सीईओ से बात करनी है। हिम्मत कैसे हुई मुझसे कहने की? मैं खुद ही टिकट निकालो। हटाओ इस कचरे के डिब्बे को, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। मैं सब भी शांत हो जाइए, प्लीज रुक जाइए। क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ मशीन से टिकट निकालने को कहा था, पर ये तो गुस्सा हो गए। मुझसे कहते हो मैं खुद टिकट निकालूं? हैं, सबको काउंटर से टिकट दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाओ। यस मैम। रुकिए सर। तुम कौन हो? मेरा नाम हैन है, आपकी मदद के लिए आई हूँ। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सुन लो बात, एक तो बेवजह मुझे गुस्सा दिलाते हो, फिर गलत फहमी का नाम दे देते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी तुम्हारे सीईओ से बात करवाओ। मैंने कहा सीईओ से बात करवाओ, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। रुक जाइए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कर सकता हूँ, दोबारा करके दिखाओ क्या? जाओ चलो। ये देखो। रुकिए सर, समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हट जाओ। हे भगवान, तुम्हारे पास दिमाग है? दिमाग? मतलब क्या? कहना चाहते हो मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं पागल हूँ? मैं सनकी हूँ ना? यही बोलना चाहते हो ना? तुमने एक पैसेंजर को सनकी कहा क्या? तुम सुन रही हो ना मैं तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ? जी। और यहाँ लिखा है तुमने उसे मारा भी। जी हाँ, मारा भी। मिस हैन, आपको याद है ना कि आपको ये नौकरी कैसे मिली है? जी सर, मुझे सब याद है। फिर भी नौकरी के 2 महीने बाद ही तुमने एक पैसेंजर को सनकी बोला और उस पर जानलेवा हमला भी किया है। तुम्हें अपनी 3 साल की मेहनत की थोड़ी भी कद्र है या नहीं? या फिर तुम्हें लगता है कि जितनी आसानी से तुम्हें नौकरी मिली है, काम भी उतनी ही आसानी से ही होता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी नौकरी खतरे में है। ये कोई सड़क छाप गुंडों का बाजार नहीं है, यहाँ रहने के लिए नियम से काम करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम ये समझ गई होगी। ओके? अरे इस तरह मुझे घूर क्या रही हो? बोलो जो बोलने वाली थी। पागल या सनकी? घूरना बंद करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे गाली देने वाली थी ना तुम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको गाली दूंगी? हंस रही है? ये तो मामूली सी लड़की मुझ पर हंसती है। कस्टमर भगवान होता है, पूजा करनी चाहिए, जानती नहीं क्या? ये लड़की सिखाया नहीं तुझे ये क्या? तो सर, पूजा का मौका तो दीजिए, कांटा बनकर क्यों चुभ रहे हैं? ऐसा मैं उसे बोलना चाहती थी। प्लीज मेरा कॉलर छोड़िए। अरे वाह, इतनी हिम्मत! मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। बस बहुत हो गया। तुम कौन हो भाई? चलो हाथ छोड़ो,
छोड़ो मेरा, देखो गुंडे भी पाल रखे हैं इन्होंने, दर्द हो रहा है, छोड़ छोड़, अरे सुनाई नहीं दे तो। तुम जो भी हो और जहाँ से भी आए हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? तुमने जो भी किया है वो इलीगल है। तुम जानते हो तुमने जिन मशीनों को अभी अभी तोड़ा है, उस एक एक मशीन की कीमत $20,000 है। 20,000? और इस हिसाब से तुम्हें अब $60,000 भरने होंगे। मिस जोई, रैंप की कोई नई खबर? गेट नंबर 6 पर अभी कोई प्लेन नहीं है। एबी एयरलाइंस का 10:40 पर उड़ने का समय है, लेकिन अभी तक प्लेन ही नहीं आया है। ये एबी एयरलाइंस का हमेशा करूँ है। देखो और कोई गेट खाली है क्या? गेट नंबर 112 खाली है। आ, लेकिन क्या एयरलाइंस के लिए काफी दूर होगा। इयान सब, तुम जाकर एबी एयरलाइंस से बात करो, मैं केआर एयरलाइंस से बात करता हूँ। इनकॉन टावर KR-097 से बोल रहा हूँ और हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं। ऑर्डर्स दीजिए। KR-097, दिस इज द टावर, कंटिन्यू योर अप्रोच। विंड 330 डिग्रीज 7 नॉट्स। रनवे 33R क्लियर टू लैंड। रनवे 33R लैंडिंग के लिए तैयार, KR-097। वो क्या है कि मैं ली सू युन हूँ सिस टीम से। I'm sorry, मुझे आपको पहले ही अपना इंट्रो देना चाहिए था। हाँ? तुम पागल हो क्या? उसने 3 मशीन बर्बाद कर दी और तुम चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आता तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया, क्यों करने दिया? वो बहुत ही गुस्से में था सर, मैंने रोकने की कोशिश की मगर वो माना ही नहीं। तुम्हें पता भी है $60,000 का नुकसान हुआ है। पैसेंजर ही भरपाई करेगा। भरपाई कौन करेगा? तुम करोगी क्या उसकी भरपाई? अब तुम घर जाने से पहले एक रिपोर्ट बनाओगी जिसमें तुम्हें यह लिखना है कि कैसे एक आदमी पैसेंजर सर्विस एम्प्लॉय के होने के बावजूद भी टिकट निकालने वाली मशीन को बर्बाद करके चला गया। कहा ना, वो गुस्से में था, कंट्रोल से बाहर था, इसीलिए मैं उसे रोक नहीं पाई। क्या मतलब है कि तुम्हारे कंट्रोल से बाहर था? तुम्हें तो आदत है ना लोगों का कॉलर पकड़ के उनको मारने की, उन्हें तंग करने की, है ना? कुछ ना कुछ तो तुम कर सकती थी। कैसे कर सकती थी? पहले से ही मुझे वार्निंग मिली हुई है और इसके लिए मेरी सैलरी भी काटी गई थी। और तुम्हें फिर से कोई वार्निंग ना मिले इसलिए तुमने उसे मशीन तोड़ने दी, है ना? आजकल के बच्चों को बात माननी आती ही नहीं है, किसी की बात नहीं सुनते ये लोग। चाहे कितनी बार भी समझाओ, ये लोग करते अपने मन की है और किसी की नहीं सुनते हैं। तो फिर करो अपने मन की, जाओ कॉफी लाओ। मैडम, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपको पता है क्या हुआ? मैंने अभी ड्यूटी फ्री एरिया में बैरियर्स देखे हैं। क्या? ओ हाँ, मैं जाकर देखता हूँ मैडम। हाँ लोगों को मारने वाली? जी सर, मैं अभी उसे रखकर आती हूँ। तुम जानती हो उन्हें कहाँ रखना है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करोगी तुम काम, जब कुछ मालूम ना हो तो उसके लिए पूछा जाता है। I'm sorry, ma'am. किस लिए? क्या तुम ये बार बार सॉरी किस लिए कहती हो? वो वैसे तुम्हें तो आदत है ना हर बात पर आई एम सॉरी बोलने की, है ना? उससे सारे काम हो जाते हैं ना। सॉरी मैम। मिस्टर सुयन, अब क्या मुंह में दही जम गया है? जी तुम यूरिन को सारा काम सिखाओगे, चाहे बैरियर पिलर्स हो या पैसेंजर सर्विसेज का कोई भी काम हो, पैसेंजर से डील करना हो या सेटलमेंट, सब कुछ तुम ही सिखाओगे। अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। मुंह खोलना जरूरी है क्या? क्या? एवरीवन, एक जरूरी बात, बाकी सब कॉन्सर्ट की मीटिंग में चलेंगे। ओके। इतने सालों से मैनेजर होने के बावजूद भी मैं तो कभी भी आज तक ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर तुम बच्चे तो अलग ही हो ना। पता नहीं इतनी हिम्मत लाते कहां से हो। बेवकूफ लोग। जरूरी है क्या? ठीक है, मैं उन्हें रख कर आती हूँ।
बड़ी जोर से लगी। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। मैंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में इससे भी बड़े काम किए हैं और मैंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा है और ना ही कभी मेरे कारण किसी को कोई परेशानी हुई है। आओ। शायद थोड़ा सा बैलेंस हिल गया। वैसे मैं कभी भी गिरती नहीं हूँ, मैं काफी स्ट्रांग हूँ। अगर कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बोल सकती हो। नहीं, पर अगर तुम मैनेजर गॉम के बारे में कुछ बता सको तो मेरे लिए अच्छा होगा। वो जैसा सोचते हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम उनके बारे में मुझे कुछ बताओगे तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगी कि वो मुझ पर गुस्सा ना हो, बल्कि वो मेरे काम को समझने की कोशिश करे। प्लीज। मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टोरेज कहाँ है। प्लीज बताओ, मेरी इतनी मदद कर दो। पेन और पेपर है, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम रास्ता भूल सकती हो। तुम बस मुझे बता दो, मुझे सब कुछ याद रहता है और मैं रास्ता कभी भी नहीं भटकती। सामने जाने पर एम्प्लॉय गेट मिलेगा, उसके पास। हाँ हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ। उसके पास एक एलिवेटर है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गई। वहाँ से सेकंड फ्लोर, फिर सीधे जाकर हॉल से दाएं मुड़ने पर इमिग्रेशन ऑफिस आएगा, उसके बाद क्वारंटीन ऑफिस आएगा, आगे जाने पर एनिमल एंड मुड़ जाना, फिर हॉल के लास्ट में सिक्योरिटी ऑफिस होगा, उसके बाद तुम्हें सीधे जाना है। ठीक है। बाईं तरफ एक एनवायरनमेंट ऑफिस आएगा, उसके बगल से जाना है। ओके। वहाँ से सीधे चली जाओगे तो सामने तुम्हें स्टेयरकेस मिलेगा। वहाँ से 10 कदम की दूरी पर एक एलिवेटर होगा, पर उसके अंदर मत घुसना वरना तुम कहीं और पहुँच जाओगी। उसके सामने सीधा हॉल के लास्ट में दरवाजा होगा, और वो दरवाजा स्टोरेज रूम का दरवाजा है। ध्यान देना, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वाला होगा, वो अंदर जाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, या फिर मैं सर्विस सपोर्ट को मदद के लिए बोल दूं। देखो, तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ किसी को। समझ गई, उसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। गुड लक। मैंने कोशिश की। मगर मैं फिर से भटक गई। यहाँ हॉल नहीं है, वहाँ ऑफिस नहीं है, अब फिर से उतना वापस जाना होगा। योरम, तुम्हें आखिर परेशानी क्या है? पहले ही दिन इतनी सारी गलतियाँ कर दी। हाँ, अरे मिनटों का काम ऐसे घंटों में करोगी तो कैसे चलेगा? अब तुम्हारे लिए भी एक असिस्टेंट लेके आऊँ मैं? बताओ, तुम्हें रास्ता मालूम नहीं था इसलिए मैंने योन को तुम्हारे साथ भेजा, फिर भी तुम्हें इतना सारा टाइम लग गया। अब क्या घड़ी तुम्हारे सर पर चिपका दूं मैं? जानबूझ कर किया ना तुमने ये? उसने ऐसा जानबूझ कर किया ताकि मुझे देर हो जाए। मैं जानता हूँ उसे, तुम उसकी टीम में हो क्या? उसे पता है कि मैनेजर गॉन्ग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, फिर भी उसने मुझे लंबा रास्ता बताया ताकि मुझे देर हो जाए। जानबूझ कर क्या? पता नहीं खुद को क्या समझता है वो। उसमें उसकी क्या गलती है? वैसे भी मैं समझती हूँ कि सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मुझे दुश्मन समझता है क्या? वो काइस से पढ़ा और बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे उसे। कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मैं, जिसकी कॉलेज का कोई रूमर्स तो ये थे कि उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम है, जब तक उसने रूमर्स को गलत साबित नहीं किया। हाँ ठीक है, उसकी पसंद नापसंद जान लिया, बाकी बताओ कि मुझे। हाँ, कहानियाँ ऐसे ही बनती हैं, सच्चाई कम मसाला ज्यादा। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? चुना।
झूठ बोल रहे हो, ऐसी बातें तो सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है। अरे फिल्मों की नहीं, ये असली कहानी है। उस दिन के बाद सब उसे जानने लगे और सब उससे बात करना चाहते थे, बस मुझे छोड़ के। देखो मैं जानता हूँ वो बाहर से थोड़ा सख्त और खड़ूस सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो दिल का अच्छा आदमी है। ओ, मैं उससे नफरत करती हूँ। अरे अब गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तुम उसे जूनियर समझ के माफ कर दो। क्या जूनियर? यस, अभी तो उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हुई है, कुल मिलाकर कुछ 4 महीने हुए हैं बस। जरा खास ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। आप अंदर नहीं जा सकती मैम। मुझे अंदर जाने दो। प्लीज शांत हो जाइए, अंदर जाना मना है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। बात सुनी मैम, कोई मदद चाहिए? ये अपने बेटे को ढूंढ रही है, अंदर जाना चाहती है, मेरी बात मान ही नहीं रही है। इनका बेटा? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ध्यान रहे सारा काम टाइम पर हो जाए। ओके ओके, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मैम। ली सू योन मेरा जूनियर है, जिसे अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। तो क्या? और मुझे 1 साल हो गया है। तो मतलब? तुम्हें 1 साल हो गया है तो उसे क्या फर्क पड़ता है? और आपने मेरे जूनियर से कहा कि वो आकर मुझे सिखाए, क्यों? तुम्हें पैसेंजर सर्विसेज में कितने दिन हुए हैं? आज पहला दिन है। सुयन हमारे यहाँ 4 महीने से काम कर रहा है और तुम्हारा यहाँ पहला दिन है, तो 4 महीने का एम्प्लॉई 1 दिन की एम्प्लॉई को सिखा रहा है, तो और कोई प्रॉब्लम? लेकिन मैम, कोई प्रॉब्लम? लेकिन मैम वो मेरा जूनियर है और मैं उसकी सीनियर हूँ। मेरी पुरानी टीम ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, इसीलिए आप ऐसा कर रही है ना? ये गलत है मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो यूरिम। हाँ कहिए मैम। तुम क्या सच में सीनियर बनना चाहती हो? हाँ बिल्कुल बनना चाहती हूँ। तो साबित करो तुम बेस्ट हो। लेट आना, बहाने बनाना बंद करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करके आई हो, फर्क पड़ता है तो इससे कि तुम अब क्या करती हो। और दोबारा ऐसा सोचना भी मत, सीनियर बनना है तो काम करके दिखाओ। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर अपना टैलेंट काम करके प्रूफ करना होता है, समझी? अभी कुछ कहना बाकी है? नो नो मैम। तुम जा सकती हो। मैं ओके, मैं चलती हूँ मैम। कहा था ना मैंने, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। काम से बढ़कर उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसीलिए तो ऑफिस में सब लोग उसे हिटलर कहते हैं। एक मौका था, तुमने वो भी गवा दिया। तुमने सही कहा, मेरे पास आखिरी मौका था, वो भी गया, अब मैं क्या करूं? काम करो। मिसान, तुम सुन रही हो? जवाब तो दो। हाँ बोलो, क्या है? एक बच्चा गायब हो गया है, तुम्हें जल्दी से 3rd फ्लोर पर आना पड़ेगा। क्या सोच रही हो, बच्चा गायब हो गया है? निशान, मुझे सुन पा रही हो? निशान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अब क्या करोगी? सबको लगता है कि मैं सिर्फ गलतियाँ करना जानती हूँ, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती। पता नहीं सारी परेशानियाँ मुझे ही ढूंढती हुई क्यों चली आती है, लेकिन मैं सबको गलत साबित कर दूंगी। ये नौकरी बचाने का आखिरी मौका है, मुझे ये करना ही होगा। मैं उस बच्चे को ढूंढूंगी, तभी सबको मुझ पर यकीन होगा। ओके चलती हूँ। पहले ही दिन नौकरी पर कौन देर से आता है? अरे ये फोन ना हुआ मुसीबत हो गई, कब पीछा छूटेगा तुमसे? फोन ना हुआ मुसीबत हो गई, कब पीछा छूटेगा तुमसे? यस सर, कोइन शॉप बोल रहा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं, फिर से प्लेन को किसने जल्दी लैंड करने दिया? उसकी दवाई का टाइम हो गया, दवाई नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगी। आप अंदर नहीं जा सकती हैं, पर आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। मैंने सुना एक बच्चा गायब हो गया है, क्या ये बात सच है? हाँ। लड़का है या लड़की? लड़का है। कितने साल का है? 31 साल का। 31? तुम पागल हो, वो बच्चा नहीं आदमी है। ये देखो, ये इनके बेटे की दवाई है।
उसे ये दवाई टाइम पे खानी होती है, लेकिन घूमने के एक्साइटमेंट में वो अपनी दवाई खाना भूल गया। लो पढ़ो इसे। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के लिए, इसका मतलब? मैंने मिस यांग को खबर कर दी है। एक काम करो, तुम यहीं पर रुको और उनके आने का वेट करो। मैं तब तक सिक्योरिटी के साथ रनवे पर देख कर आता हूँ। मतलब क्या है? हम साथ मिलकर काम करते हैं। हेलो सर, हाथ ऊपर कीजिए। एक मिनट प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, आप जा सकते हैं। हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि जिस ढूंढने जा रहे हैं उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो कोशिश करना मेरे साथ रहो। ओह, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या एक जूनियर को? बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ। अगर कुछ सही नहीं कर सकती हो तो कुछ गलत भी मत करना। मुझे दूसरों की नजर में आना पसंद नहीं है, चुपचाप काम करना अच्छा लगता है। इसलिए मैं तुमसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो कोई गड़बड़ मत करना, चुपचाप जो भी कहूं करती जाना। हाँ, मैं समझ गई। वैसे क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? मैं आज सुबह की बात नहीं कर रही हूँ, उससे भी पहले क्या हम मिल चुके हैं? नहीं, मुझे याद नहीं है। कभी भी नहीं? कहा ना, मुझे याद नहीं। अजीब बात है, तुम मुझे जाने पहचाने से लगते हो। सारी लड़कियां मुझसे यही बात कहती हैं, तो मैं क्या कहूँ, झूठ नहीं बोल सकता ना। किम जून वो नाम का एक आदमी खो गया है। उसकी उम्र 31 साल है और येलो कलर की शर्ट पहनी है। फ्लाइट AB-127 के लिए गेट नंबर 6 से चेक इन किया है। अगर आपको दिखाई दे तो सिक्योरिटी को खबर करें। थैंक यू। प्लेन निकलने में अभी 1 घंटा बचा है। सबसे पहले बोर्डिंग गेट पर जाकर चेक करो और फिर बाकी जगह चेक करना। ओके। मेंस वॉशरूम में जाकर भी चेक करो, क्योंकि उसका मिलना बहुत जरूरी है। यस मैम। ओके। मैं यांगसू कुन बोल रही हूँ। गेट नंबर 6 के आसपास सभी कैमरे अच्छे से चेक करो। देखो कोई पीली शर्ट वाला आदमी जो अजीब सा बर्ताव कर रहा हो, जैसे ही देखे मुझे खबर करो। नहीं, कुछ लोग हैं आसपास, मगर येलो शर्ट वाला कोई नहीं है। कहीं दिखाई दिया? हाँ, मिस यांग, मुझे अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, जल्दी से अभी निकलो और चेक इन काउंटर पर चेक करो। हमें किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढना होगा, समझे? हाँ मैडम, समझ गया। सबने सुना, वापस चलो, हमें चेक इन काउंटर की तरफ जाना है। क्या मतलब है, नहीं मान रहे हैं? मैंने कब से समझा रही हूँ, हमें 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, पर मिस्टर ली मान ही नहीं रहे। 2 हफ्ते पहले भी हमने मदद की थी और उसके चक्कर में हमारी फ्लाइट लेट हो गई थी। आई एम वेरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, हमारा प्लेन रनवे पर खड़ा है और पैसेंजर्स को निकलना ये है। सब फ्लाइट लैंड करने से पहले सोचना चाहिए था। आपने सुना ना सर? हाँ हाँ, सब सुना। तो बताइए क्या करूँ? फोन स्पीकर पे डालो तुम। मैं रैंप मैनेजर पार्क से ही बात कर रहा हूँ, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन हम शांति से इसका हल निकाल सकते हैं। हाँ, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप दोनों मेरी बात समझ रहे हो ना? मैनेजर पार्क, आप भी केएल एयरलाइन की तरफ है? मैं किसी की भी तरफ नहीं हूँ, काम अच्छे से निपट जाए यही मेरा काम है। आज आप हमारी मदद करिए, कल हम आपकी मदद करेंगे, ऐसे ही तो काम होता है ना सर। अगर आज फिर से फ्लाइट डिले हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। तो मतलब आप गेट नहीं खोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो मिस हो, आप बोर्डिंग गेट से ही एग्जिट करवा लीजिए, यही अच्छा है। मैनेजर पार्क, आखिरकार आपको देर होने के लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। जाते जाते पैसेंजर्स को बता देना कि उन्हें थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। किसी पैसेंजर ने कंप्लेन की तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैंने कहा था प्लेन को जल्दी लैंड कराने के लिए, तुम्हें तो मैं सलाह दे रहा हूँ। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी।
अगर इतनी शिकायत करनी है तो जाओ और खराब हवा के लिए शिकायत करो, जिसकी वजह से प्लेन जल्दी लैंड कराया, टाइम खत्म होता जा रहा है। जो करना है जल्दी करो, अगर गेट नहीं खुला तो हम सबके नाम का वार्निंग लेटर बनेगा, याद रखना। फिर वहाँ हमें पूरा समय मिलेगा एक दूसरे की गलतियाँ निकालने का। अगर वार्निंग लेटर नहीं चाहिए तो गेट खोल दो। अब जो करना है जल्दी करो। एक जरूरी सूचना, एयरपोर्ट पर गेट फ्री ना होने के कारण अराइवल में देरी हो सकती है। कृपया आपका सहयोग दें और अपनी सीट पर बैठे रहें। आई रिपीट, ड्यू टू गेट सिचुएशन एट द एयरपोर्ट। सॉरी, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। जूनियर होकर मुझे ऑर्डर देता है, सीनियर से कैसे बात करते हैं पता ही नहीं। KR097, हम लोग टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। KR097, रोमियो 2 पर वेट कीजिए। जल्दी बताओ रैम की क्या खबर है? जो भी करना है जल्दी करो, गेट खोलो, पैसेंजर्स को वेट नहीं करा सकते। इतनी देरी क्यों हो रही है, हमें वजह जानना है। चालीस मिनट मांगे हैं तो बस उतने ही मिलेंगे, उससे एक मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा। और आज डिले हुआ तो रैम मैनेजमेंट से मैं खुद शिकायत करूंगा, याद रखना। गेट खोलो जल्दी। यस मैम। यस मैम। क्या हुआ? चलो बढ़िया हुआ। मिस जोई, KR097 के लिए गेट नंबर 6 खोल दो। हाँ ठीक है सर। मैं तो थक गया, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। कभी कभी लगता है ये नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसमें तो, इस ग्लास में तो सिर्फ बर्फ ही भरी हुई है। देरी के लिए माफी चाहते हैं। हैव अ गुड डे, गुड बाय। टेक केयर मैडम, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बदल क्यों दिया? क्या सर? प्लेन। अच्छा अच्छा, ये बस एक बार प्लेन अनलोड हो जाए तो उसे दूसरे गेट पर लगा देंगे। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन जल्दी लैंड हो गया, और क्योंकि और कोई गेट खाली नहीं। इसने कहा ऐसा करने के लिए? मुझे बिना बताए तुमने ऐसा क्यों किया? सर आप ठीक तो हैं? ये तो हमारी स्टाफ मेंबर है गेट नंबर 6 के पास। सर आप ठीक तो हैं?
गेट के पास जो आदमी घूम रहा है उस पर जूम करो। हाँ, उस पर फोकस करना। इसने पीले शर्ट पर जैकेट पहना है, मुझे यकीन है यही है वो आदमी। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। सबके वायरलेस ऑन है ना, मुझे वो आदमी मिल गया है। हाँ, उसने पीले शर्ट पर नेवी ब्लू जैकेट पहना है और वो गेट नंबर 6 पर है। गेट नंबर 6 पर चलो, जल्दी जल्दी। यस सर। यूरिम, क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल उसका वायरलेस ऑफ हो गया है मैम। उसे जल्दी फोन करो, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगी। सिक्योरिटी, प्लीज गेट नंबर 6 पर जाइए। वो आदमी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया है वो वहीं पर है, जल्दी जाइए। क्या मुझे मिस हैन का नंबर मिल सकता है? मैं उनकी टीम में काम करता हूँ। अरे तुम्हारी बात कैसे हुई? प्लेन बदलने की? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पास टिकट है। प्लेन क्यों बदला? किम यून हो, क्या तुम किम यून वो हो? कौन हो तुम? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, मेरे साथ चलो। तुम कौन हो? पुलिस हो? सुनो, डरो मत, मैं पैसेंजर सर्विसेज से हूँ। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, तो तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? मेरे पास मत आना। तुम मुझे पकड़ने आई हो ना, मुझे पकड़कर फिर से जेल में डाल दोगी। जाओ जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ, जाओ ना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ, शांत हो जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ। जाओ यहाँ से। याद आ गया, ये वही है। ये तो वही है। ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें देने के लिए कहा है, इसे खा लो और अपनी माँ के पास वापस चलो।